अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम VN वीडियो एडिटिंग दिखाएंगे। जो लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कुकिंग की कोई वीडियो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इस परेशानी से परेशान है कि हम अपनी वीडियोज़ तो बना लेते हैं लेकिन उनको एडिट कैसे करें, तो आज मैं उन लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसका नाम है VN वीडियो एडिटर। ये एक बहुत अच्छी और आसान वीडियो एडिटिंग ऐप है जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी तरह की वीडियो को बआसानी एडिट कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी तमाम ट्रिकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके और आप उसे टाइम से वॉच कर सकें। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोगों को सिखाते हैं कि हम वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हम ओपन कर लेते हैं VN को। यहाँ पे नीचे प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जो वीडियो आप एडिट करना चाह रहे हैं उस वीडियो को आप इसमें ले सकते हैं। तो अभी हम ये मेरी वीडियो है इसको ले लेते हैं। इसको हम ज़ूम कर लेते हैं ताकि हम अच्छे तरीके के साथ इसको एडिट कर सकें। ये देखें आप, अभी मैं यहाँ बोल नहीं रहा तो इस वजह से यहाँ से हम वीडियो को कट कर देंगे। इसके ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद नीचे ये आ रहा है स्प्लिट, स्प्लिट करेंगे तो ये कट जाएगा और जो हिस्सा हम डिलीट करना चाह रहे हैं उस पर हम ऐसे प्रेस करके डिलीट कर दिया करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हो। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ये वाला हिस्सा लेंगे जो हमारा इंट्रो है। जस्ट हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको स्प्लिट कर दिया है और इसको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है तो फिर ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो सकता है। हम जस्ट इंट्रो को आपको एडिट करके दिखाएंगे, इसमें ही आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक हो गया। और ये VN का एंड पे जो बैनर आता है उसको भी कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये हमारा इंट्रो आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ मतलब दरमियान में कोई आपकी वॉइस आ रही है जो जैसे ये देखें यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे डिलीट करके और यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं करूँगा। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहेंगे कि इसका हम बैकग्राउंड जो है चेंज करेंगे। नीचे जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनको राइट साइड पे लेके जाना है और फॉरवर्ड करने से पहले हमें साइज़ को, उसकी फ्रेम रेशियो को चेंज करना होगा। ये हम इसका जो साइज़ है वो पहले कर लेते हैं सेट 9:16 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और नीचे जो है ये हमें लगानी होगी, कोई भी हम बैकग्राउंड पे इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कोई भी इस पर फ़ोटो लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये फ़ोटो मेरे पास है, इसको हम इसके बैकग्राउंड पर लगा देते हैं। इसको हम सेट कर लेते हैं, ये ठीक है। इसके बाद इस पे वीडियो पे क्लिक करेंगे और क्रोमा की को हम ऑन कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये परफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ ये परफेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप चाहते हैं कि कोई यहाँ पे आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद ये टेम्पल दिए गए हैं और टाइट, वैसे भी एक नॉर्मल आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। हम टेम्पल टाइटल टेम्पल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये मैं लगाता होता हूँ मोस्टली, तो यहाँ पर मैं अपना IM लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ऐसे करके हम इसे नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। तो इसके आने का म्यूज़िक हम लगा देते हैं, ठीक है। जब ये आए तो इसका थोड़ा सा अच्छा म्यूज़िक आए, ये हम लगा देते हैं इसके, ठीक है, इसके बैक पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद कर।
तो ऐसे करके हम म्यूज़िक भी लगा सकते हैं और ये सारा इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस वीडियो के बैक पे म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे म्यूज़िक रखे हुए हैं, माई साउंड में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और ये कोई भी म्यूज़िक आप लगा सकते हैं, मैं ये लगा देता हूँ इसके बैक पे। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो मैं कर देता हूँ 2% पे। ठीक है, ताकि अच्छा म्यूज़िक लगे, आवाज़ से जो है ना वो ज़्यादा ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत। तो ऐसे करके आप सब खैरियत से होंगे, इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारी सिंपल वीडियो थी, इसमें कोई इतने कोई इफेक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को VN के जो मज़ीद फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे ये टेम्पलेट पे आता है कि आप कोई इंट्रो बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कोई टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं, उसमें आप जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पे आपको वीडियो फ़ोटोज़ लगाना होती हैं, वो वैसा टेम्पलेट बन जाता है, वैसी वीडियो बन जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप फर्ज करें ये वीडियो है हमारा, जो हमने जो वीडियो शूट किया था उसका जो यहाँ पे फ़िल्टर हम लगा सकते हैं, फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं जैसा हम चाहें। ठीक है, तो आगे आ जाता है इसकी स्पीड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ऐसे उम्मीद करता इसलिए स्पीड जो है वो नॉर्मली रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये स्पीड का ऑप्शन था, स्पीड के बाद ये ट्रिम आ जाता है। ट्रिम मतलब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं पार्ट, ये देखें आप कोई वीडियो लेते हैं उसका पार्ट आप इतने सेकंड्स लेता है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं ये स्प्लिट आ चुका है, उसके बाद ये इफेक्ट्स आप अपनी वीडियो में इफेक्ट्स के फीचर्स डाल सकते हैं, मतलब ये भी एक इफेक्ट ही है। फर्ज करें ये अभी हमारी वीडियो आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये ऐसे ऐसे करके इसमें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीडियोस, अस्सलाम वालेकुम, ये काफ़ी लोग आजकल लगाते हैं तो आप ऐसे करके लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्रोमा की का ऑप्शन आ चुका है, वो आपको मैंने करके दिखाया, और ये नेक्स्ट आ रहा है बॉर्डरिंग, हम हमारी साइडों पे जो ये लाइन आएगी उसको कलर दे सकते हैं हम। ठीक है, ये देखें इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं जैसे हम चाहें। तो नेक्स्ट आ जाता है ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो, हम ये वीडियो है जैसे अभी इसकी कोई ऑडियो नज़र नहीं आ रही तो हम इसकी वॉइस को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें बकायदा हर चीज़ नज़र आ जाएगी कहाँ पे हम बोल रहे हैं और कहाँ पे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास नीचे ये ऑप्शन फेड इन का। फेड इन मतलब कि आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है तो 2 सेकंड के लिए आपकी वीडियो का वॉल्यूम जो होगा वो कम होगा, 2 सेकंड्स के बाद वो फुल वॉल्यूम जितना होगा वो हो जाएगा। उसके बाद आता है फेड आउट, फेड आउट मतलब कि आपकी वीडियो जहाँ पे एंड हो रही है 3 सेकंड पहले आपका वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाता है क्रॉप, हम वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा जो सा जो आप साइज़ रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है रोटेट, आप वीडियो को रोटेट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। ठीक है, उसके बाद आता है मिरर, मिरर मतलब कि इसकी साइड चेंज हो सकती है, ये देखें अभी ये देखें साइड चेंज होगी इसकी साइड। ठीक है, और फ्लिप ये उल्टा हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, ये जो फिल का ऑप्शन ये साइडों को फिल करता है, इसमें जैसे आगे मतलब कि ये आपकी वीडियो का साइज़ छोटा है तो इसको ये फिल कर देगा, प्रॉपर जो आपका साइज़ होगा उसके बराबर कर देगा। ठीक है, इसके बाद आ रहा है ब्लेंडिंग, ये VFX जब हम यूज़ करते हैं तब इनका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ओपेसिटी, ओपेसिटी में मतलब कि हम अपनी प्रेजेंस को कम कर सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मास्क, मास्क में आप देख सकते हैं हम अपनी इतनी तस्वीर को यहाँ पे शो करवा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये इसके सारे फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब कि ये हमारी ऊपर वाली लेयर में वीडियो चल रही है तो इसका हम नीचे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप इसमें ये सब कुछ कर सकते हैं। गाइस, ये थे सारे इसके ऑप्शन, ये बहुत ईजी टू यूज़ है, आप ईजिली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं, सेव करने के लिए ये ऊपर निशान दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस हैं, आप 1080p पे इसको सेव करना चाह रहे हैं, कैसे सेव करना, मैं तो मोस्टली ऑटो पे करता हूँ क्योंकि इसके जो है ना वो जैसी वीडियो हो तो वो उस तरीके का वो खुद ही मैनेज कर लेता है। VN 4K में 60fps
हमें ये एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी वीडियो हो चुकी है एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको हम देख भी सकते हैं। हम देखें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जी तो गाइज, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग सीख ली होगी। ये वीडियो एडिटिंग आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है अगर आप व्लॉगर बनना चाहते हैं या फिर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे आप अपने लिए वैसे ही वीडियोस बनाना एडिट करना चाह रहे हैं बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।